ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਬਿੱਲੋ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਉਮਰ ਖੂਨ ਰੰਗ ਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹਲੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦੀ ਕਮੀਰ ਕੁੜੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? बढ़िया बढ़िया ही होने से ये यार क्या बोलूं। तो आज हम कॉलेज आ रहे थे हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह मैं अकेला जल्दी तैयार हुआ हूँ। व्लॉग मैंने स्टार्ट किया आरपीएम व्लॉगर का, क्योंकि हमारे साहिल भाई अभी नींद से उठे नहीं है, मतलब उठे तो है बट अभी तैयार नहीं हुए हैं। अब इनको तैयार होना है, ब्रश करना है। टाइम पे कोई यहाँ काम नहीं करता, सब मैं ही मुझे करना पड़ता है। टाइम पे मैं उठता हूँ, खाता मैं टाइम पे हूँ, इनका कोई टाइम टेबल नहीं बचता यार। कुछ बोलो इसको यार कमेंट्स में यार, कि जल्दी उठे करे कुछ अपना काम धंधा। कॉलेज है टाइम पे यार, दानिश अकेला कितना करे हैं। जैसे मैं इनका घर का बुजुर्ग हूँ, जो इनको रोज़ उठाऊँ, आओ चलो उसको कॉलेज जाते हैं, क्या करें, इनका क्या हो गया। चलो जी, गुड मॉर्निंग, अभी हम कॉलेज आ चुके हैं। तो सुबह सुबह हमारे दानिश भाई ने व्लॉग स्टार्ट किया था। दानिश भाई तुझे बता, सुबह सुबह व्लॉग से स्टार्ट किया दानिश ने, बहुत ही बढ़िया वाला व्लॉग स्टार्ट किया। लेकिन आप उठ ही नहीं रहे थे। तो सुबह का दानिश का व्लॉग स्टार्ट था, अभी हम कॉलेज भी पहुंच गए, बस अभी क्लास वगैरह देते हैं चली चली, क्योंकि चली चली में आए हैं। हाँ भाई, हमारी कोई क्लास नहीं है। अब मैं देखाऊंगा, क्लास होगी तो दूंगा, नहीं तो फिर नहीं दूंगा। ठीक है चलो। हाँ हाँ, देखते हैं, मैं आ जाऊँगा वापस, मुझे लगता नहीं लेकिन क्लास होगी, चल फिर भी देखते हैं। आ जा, चलो जी लेट्स गो। मैंने ब्लू पैंट लगाया, देखो तेरा मन है, वहाँ से पहले नहीं देता था तू। अरे वाइट शर्ट और ब्लू पैंट लगाया, इसी तरह यूनिफॉर्म में आया हूँ, और टाई वगैरह देखो कितना डिसेंट बन के आता हूँ, बहुत डिसेंट है ना सर। क्या रामन हाई स्कैंडी में ना यही हमारी यूनिफॉर्म हो गया करती थी, वाइट शर्ट और ये वाला पैंट, लेकिन वो अलग पैंट था, ये लूज वाला है, वो टाइट वाला होता था, पता है वो लूज वो टाइट। चलो अभी चलते हैं, हम क्लास देखिए। ठीक है, और यहाँ पर तुमको कौन मिला ना? हाँ भाई, क्या हाल है? वॉशरूम में क्या कर रहा था? कहाँ था? जा रहा हूँ। कहाँ पर टूर्नामेंट कहाँ है? आज पबजी का टूर्नामेंट चल। कहाँ पर शुरू हुई है? हमारी क्लास चल रही है। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मैं अंदर जा नहीं सकता भाई, खजल हो गया, लेट हो गया। क्लास हो चुकी है भाई, स्टार्ट होगी, वो वाला नहीं अंदर। अरे वो वहाँ पर खाली था, वाली क्लास में, खालिद की क्लास में चलते आजा, वो वहाँ वाली क्लास में। ये रही यहाँ पर खालिद की क्लास। ये सारा जो है सारा सीएससी डिपार्टमेंट है, देख रहे हो, बढ़िया है यार। और यहाँ पर खालिद की क्लास है, हमारी इसके साइड है, बढ़िया है बढ़िया। वैसे आज पबजी का टूर्नामेंट है, जो हमारे आतिफ भाई भी उनमें ऐड हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गया वो, तो लेट्स सी कहाँ पर होगा। सपोर्ट करेंगे आतिफ को, अच्छा देखते नहीं। चाचा हमारे कॉलेज में छोटा बच्चे कहाँ से आए भाई, आप किस यूनिवर्सिटी से हो भाई? ऑल द बेस्ट करने आए हम यहाँ पर भाई, अच्छे से खेलना, बेल करना सबको भाई, सबको बेल देना, ठीक है? नहीं नहीं, हम इसको बस ऑल द बेस्ट। नहीं होता, अब नहीं होना, नहीं नहीं नहीं, आपके साथ दो और है, ये दोनों आपके साथ और आप, हाँ तो जाओ, नहीं अच्छे से खेलना भाई प्लीज, बेल के आना सब, ओके ब्रदर। आतिफ भाई भाई ओके। लेकिन अभी हमने आतिफ भाई को कर दिया अलविदा, तो आतिफ भाई का भी टूर्नामेंट चल रहा है पबजी का, यहाँ पर मैच वगैरह ना वो हो रहा है, तो बढ़िया था। वैसे जैसे अभी मैं बात कर रहा था, बहुत प्यारी मैम थी यार, मतलब भाई क्या बोले, सीनियर लग रही थी, मैम लग रही थी, जो भी थी बड़ी प्यारी थी यार, बहुत अच्छी थी यार, अच्छी थी। बड़ा जल्दी आ गया आतिफ भाई, इतनी गेम खत्म करके भाई, उसमें वो तूने जल्दी तूने हार गया निश्चित हार के आ गया ना, स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्या बोल, 5G चाहिए फोन, चाहिए तेरा तो 5G है ना फोन,
फ्रिज का चाहिए था, एंड्रॉइड फोन है। एंड्रॉइड ये आईफोन ही रखे? आईफोन में चलता ही नहीं, 5G ठीक से चला जा आगे तक चलता है। इंसानों की तरह बर्गर खाया कर भाई। अभी हमने बटर स्कॉच मंगाया और बर्गर, अब दानिश भाई खिलाएगा नहीं। ब्रेकफास्ट हो रहा है पता है, अभी हमारी क्लास वगैरह खत्म हो चुकी है, तो अभी आए हम अपने मेन ढाबे पे जहाँ पर हमेशा हम आते हैं। यहाँ पर हमने आलू पराठा मंगाया और साहिर भाई ने थाली मंगाई है। थाली अलग ही लेवल का मज़ा आता है। एक तो आलू पराठा साथ में, ये क्या बोलते इसको, दही और चटनी वगैरह। बटर था नहीं आज, तो बटर लाया नहीं, तो ये मेरी वो ना टिफिन में आ जाता है सारा, मेरे को यहाँ पर पैसे देने नहीं पड़ते। क्या बोल रहे हो, दिया नहीं ना लेकिन, तो आज नहीं कल। अरे स्पेशल दे, तभी तो मुझे पसंद नहीं वाली आंटी है यार, कसम से इनके हाथ का खाने में अलग ही मज़ा आता है यार। की कसम ऐसा लगता है जैसे घर की फीलिंग, आपका मतलब ऐसा वाला फील आता है मुझे। ऐसा लगता है लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि यहाँ का अच्छा नहीं बनता, लेकिन सच बोलूँ कसम से यहाँ पर जितना बढ़िया बनता है ना यहाँ पर, मैं आपको अगर हम लाइव भी देखते जब भी कुछ यहाँ पर बनाते ना, मतलब अपने हाथों से देखते क्या बनाते, लोग बोलते हैं कि शायद गंदा बनाते होंगे क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर भाई, है ना। मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं ना कहीं ढाबे पे खा रहे हैं, ऐसा फील ही नहीं आता भाई, तो घर का फील आता है, घर का फील आता है। प्लीज जी, हो चुका हमारा लंच वगैरह, चलते सीधा घर की तरफ, कैब वगैरह करवा दिए तो निकलते दोस्तों। ठीक है, अभी आएगा आगे से मोड़ कटा के। यहाँ से देखो हालत क्या हो गई फ्लैट में, यहाँ से साफ करना था सारे यार। रात को बारिश पड़ी थी पता आपको, मेरे को अभी ध्यान पड़ा कि हाँ हाँ भाई, और हमारे यहाँ मीटर देखो कितना हो चुका है, 1000 हो चुका है भाई। अभी ध्यान पड़ा कि रात को बारिश वगैरह भी पड़ी थी, और ये कब पड़ी वो भी नहीं पता, लेकिन पड़ी थी रात को बारिश, तभी थोड़ा गीला है यहाँ से। देखो थोड़ा, तो अभी जस्ट अभी पहुंचे हम फ्लैट पे, करते रेस्ट वगैरह भाई, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। दोस्तों अभी हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, तानिश भाई 7 बजने वाले भाई, और 7 बजे एकदम रेडी हो चुके हैं। हाँ 7 बजने वाले, और अभी हम रेडी हो चुके हैं, और आज हमारा प्लान बना भाई। हम कॉलेज गए थे, कॉलेज से आके हमें पता नहीं था कि आज दिन का प्लान क्या होने वाला है, लेकिन तानिश भाई तुम क्या कर रहे है, शक्ल छुपा रहे है। तो हमारा प्लान बना, प्लान क्या मतलब, कॉलेज में एक इवेंट है। क्या इवेंट है कि हमारे कॉलेज में आज एक और बहुत ही बड़े बड़े सदस्य आ रहे हैं, 5 सदस्य के 6 सदस्य आ रहे हैं, और हम बहुत ज्यादा लेट हुए, और उसमें एक इंसान को मैं जानता क्या मीन्स की जिनका हम गाने सुनते थे, काका जिनका एक गाना याद होगा खाली भाई, इसको दानिश भाई कॉलेज लिबास के बीच से इन्होंने खोले, काले ना पता नहीं जो भी है भाई, सुना होगा ना, बिलो बगे था की करेगी करेगा बोल, तो बता आगे तो वो वाला सिंगर आ रहा है आज हमारे कॉलेज, पता नहीं आ गया होगा कि पोज गया होगा, लेकिन अभी हमने कैब वगैरह कर दी और हम चले निकलते हैं कॉलेज, एंड देखते हैं कॉलेज में क्या रहता है, एंड आई एम एक्साइटेड कि मजा आने वाला, जैसे पिछली बार एमवी वीक आया था तो ठीक ठाक मजा था, और होप कि आज अच्छा मजा आए। थानी भाई अपनी शक्ल प्लीज दिखा दीजिए प्लीज, ठीक है कोई बोले जैसे दानिश भाई का इंतजार कर रहे थे कि दानिश भाई अपनी शक्ल दिखाएगा, नहीं ठीक है। तो अभी बिना बातों के निकलते हैं हम कॉलेज की तरफ, अंधेरा हो चुका भाई, बाहर पूरा अंधेरा दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो, चेक करो बाहर पूरा अंधेरा, तो चलते चले चले कॉलेज, ठीक है। तो जरा सच्ची में अच्छा लग रहा है, जरा 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 बंद कर लेंगे, हाँ बढ़िया लग रहा है भाई, अच्छे लग रहे हो आप, बहुत सुंदर लग रही है ना। कॉलेज में कभी घरों में कसम से भाई, मैं तू ज्यादा स्मार्ट है कि ये हमारा साहिर, साहिर बहुत हैंडसम है, तू नहीं मतलब क्यों रहा तू, लेकिन मैं क्यूट हूँ, हैंडसम मैं क्यूट हूँ, और आप कुछ नहीं हो, हाँ मैं कुछ भी नहीं, मैं आप मेरी जान हो। चलिए जी सारे बंदे हो चुके रेडी, हियर इज द खालिद या दानिश एंड साहिद, चलो लेट्स गो, हियर इज द गाड़ी, क्या वाला भैया जी चलते। चलिए जी कॉलेज के अंदर इंटर होते भाई लोग, अंधेरा अंधेरा भाई कॉलेज पहुंच के भाई, अंधेरे में हमेशा मजा ही आता है कॉलेज आने का, आई डोंट नो कैसा मजा रहेगा, जो भी रहेगा कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी मजा आए और हमें भी मजा आए, ठीक है दोनों को मजा आए। ब्रदर यू आर एक्साइटेड फॉर टुडे ब्रो, ये गाना नहीं था भाई, तो कौन सा था, यही था लेकिन थोड़ा सा काला रंग मेरा, तेरा काला मास्क है भाई, ऐसे लिरिक्स अगर होते ना। अभी शोर आ रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम कैसा रहेगा, एंड आवाजें आ रही थोड़ी, देख रहे हो
और एक घंटा लेट हो गया भाई, 6 बजे का इवेंट था और अभी 7 बज रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि हमारे काका नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गया होगा फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी होगा 9 बजे आ जाएगा खाना शाना खा के आएगा वो। चलो अभी कुछ माहौल है, देख रहे हो, चलो दिन को कैसा होता है रात को देखो कितना प्यारा होता है। रात को बड़ा मज़ा आता है यार, हाँ यार अगर इतना मज़ा आता नहीं, MSC भी खुला हुआ है देख रहे हो, बढ़िया है यार भाई। आ गया शायद, आ गया ना भाई, इधर थोड़ी भी जगह नहीं है भाई, लेट हो गया हम आज फिर यहाँ तक। इसका प्रमोशन तभी प्रमोशन ताड़ियां नहीं खत्म होनी चाहिए क्योंकि माहौल थोड़ा जहा हो लगा। सो इधर वाले वीर बेनती है भी माड़ा माड़ा इधर आ जाओ तुम सारे, क्योंकि माहौल थोड़ा अच्छा। कुड़िया मुंडिया का कहते कुड़िया ने पूरा रौला पाया से पिछली बार भी आके गए, शायद तुम सब याद होना, गड्डी जाते चलाका मार के डाल। यहाँ से दिख ही नहीं रहा यार, दिख ही नहीं रहा, यार ये दिख ही नहीं रहा यार। अभी हमारे थोड़ा बाहर, क्योंकि यार जिसका हम वेट कर रहे हैं ना कि हाँ अभी आएंगे, वो आ ही नहीं रहे, बाकी वाले बंदे सारे उनको वैसे उनको इतना पर्सनली जानते नहीं, वैसे मतलब पर्सनली सुल्तान भाई को क्या बात कर रहे हो, सुल्तान था इतना झूठ मत बोल। नहीं सुल्तान भाई नहीं, मैंने नहीं, मैं भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि काका आएगा, देखेंगे और मजा करेंगे, तो उस टाइम थोड़ा लगेगा हाँ यार अभी कुछ मजा नहीं आ रहा, तभी हम थोड़ा बाहर तो जा रहे हैं। तो किसके लिए ज्यादा, किसके लिए वेट कर रहा है? मैं सुल्तान भाई के लिए ज्यादा। मैंने नहीं सुना था इसके गाने का भी, बट ये है कि आप जब काका आएगा उसके गाने सुनेंगे फिर मजा आएगा, तब हम थोड़ा बाहर तक जा रहे हैं कुछ खा के आ जाएंगे जल्दी जल्दी, फिर से अंदर लेंगे आपको, ठीक है? आपका मेंबर आ गया है, आपका आ गया मेंबर, आ गया आपका काका इज़ हियर, छुप नहीं, छुप दिख नहीं रहा यार यहाँ पे, मैं दसा की ज्यादा मैनू पूरे कॉलेज की एक बैटरी थी
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚਾਰ ਦੇ ਹੋਈ ਨੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਸੈਲਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੱਲੋ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗੀ बिलो कहती बिला तो बग्गा ही चाहिए पढ़ाई कर लो बिलो कहती बिला तो बग्गा ही चाहिए गवर्नमेंट जॉब से लगा ही चाहिए आप ट्रेलर देखिए नहीं कि हाँ एक कुड़ी की नहीं सीढ़ी है पर एक गल मैं छाउ सी कि टेबल को जावे से कहे कुत्ता बदाम ना होवे ना केसर भाई इस जे मजावे कोई वाइट पंच कहां पे नमस्ते जी मेरा नाम है यास्मीन सेन मैं इस मूवी से अनुप्रीता कैरेक्टर कर रही हूँ किसको घूर रहा है किसको देख रहा है तू यास्मीन को बिल्लो बगे बिल्ले नाल ब्याह करूंगी फिर ओदी जिंदगी तबाह करूंगी बिल्लो बगे बिल्ले बिल्लो बगे बिल्ले दा की करेगी नी मेरा मारदा उबल खून ना मिलास दे तू कॉलेज च साल मेरा आखिरी हॉल पेंदे आ जी गल जी जरा निगाह मारो साले जी ओ विशा अर्जी दा यार दियां यारियां सच आखदा मजाक नी मैं करदा तुसी मापिया जहे हो साडे गुरुआ थोड़ी मुंह बिना भी नी मेरा सदा सच्चे दिलों दे उत्ते मरदा तीन साल तो प्यार मजम करदा लव यू टू लव यू थैंक यू हां ओ टेंपरेरी होंदे ने प्यार मेरे तुसी परमानेंट रखो अपने भी इवेंट हो चुका है खत्म और यहां से सारे अपने घर की तरफ रवाना होते हुए तो भाई लोग बढ़िया था रिव्यू दो प्लीज रिव्यू दो यार काला है और काला बन जाए वो ट्रक पाए उसको क्यों आखिर क्यों एक सिंगल लाइन था बस एक सिंगल लाइन सबको सबको बुरा फील कर गया एक लाइन के लिए आए थे क्या वाइट पंजाब की वो करने का कोई मत देखना कोई मत देखना वाइट पंजाब हमारे साथ धोखा कर दिया एक घंटा वेट किया हमने उसके बाद उसने दो लाइन लेके निकल गया यार बॉडी शेमिंग कर ऐसा तो ऐसा होता है आदि भाई नहीं देखेगा मूवी कोई सब सबका मूड खराब कर पूरे कॉलेज में सबका मूड खराब तेरा नहीं बोले की मेरा हो गया भाई एक घंटे से वेट कर रहा था लास्ट में क्या हुआ फिर एक वर्ड का बस उसने एक सेंटेंस बिल्लो पग्गे बिल्ले आता की करेगी पग्गे की करेगी अरे वो सेंटेंस पे देखना कितने खड़े हो गए थे तो एक लाइन के लिए आया था क्या सिंगल लाइन से क्या नहीं दिस नॉट गुड यार राय तारा के बजट में जैसा सही था ये भी डाल दूंगा सर में इतने ही सारी बातें डालूंगा ब्लॉग में हो गया प्लीज सच सच्ची मेरी बात आगे तक पूछिए नेक्स्ट मैसेजेस मेरे घर वाले देखते बहुत ही ज्यादा बुरा लगा सबको मुझे तो भले लगा बाकी मतलब सबको ही लगा यार कि एक लाइन के लिए आया और एक लाइन लेके चला गया और तुझे नहीं लगा मत लगने दे भाई मुझे तो लगा 10,000 के बजट में इतना ही होता है 10,000 के नहीं 10,00,000 10,000 का बजट होगा इसका इतनी भीड़ का कोई फायदा नहीं भाई फायदा हुआ ना और ये बहुत ही स्पेशल बंदे जतिन भाई बहुत ही खूबसूरत बंदे जतिन भाई क्या हाल है भाई के बढ़िया से बढ़िया मजा आया आज लेकिन इसकी काकी के बारे में क्या बोलेंगे आप नो कमेंट दिल दुखा दिया ना उसने दो लाइन लेके चला गया ना क्यों आखिर क्यों
सबको ही बुरा फील करवा गया। नहीं आती भाई को तो हद से ज्यादा बुरा लगा। आती भाई ऐसा लगता है जैसे तूने दुनिया का खर्चा करके आया था तू यहाँ, जैसे इसने पास नहीं किया। तो जी अभी हम कॉलेज से आ चुके हैं, तो बाकी लोगों ने तो देखो क्या क्या बोला भाई, क्यों, क्योंकि उनने एक दो लाइन बोली उसके बाद चले गया। मतलब लोगों ने काफी वेट किया कि हाँ यार काका कुछ बोलेगा गाएगा अच्छे से, लेकिन किसी ने नहीं गाया। मुझे पता बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया होगा और बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बोला होगा, बट उसको बोल रहे थे गाने के लिए यार इतना थोड़ा होता है यार। वैल्यू तो ठीक है बट ऑडियंस की बात तो सुननी पड़ती है ना भाई, ऐसा थोड़ा होता है यार। मेरे को अच्छा नहीं लगा यार पर्सनली, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तुझे अच्छा लगा? बुरा फील हुआ कि लाइक इतना हमने उसको मतलब सारे बोरे भाई गाओ गाओ बिलो बग गया, उसने दो लाइन गाई और निकल गया, बोलता है नहीं इससे ज्यादा नहीं गा सकता मैं वगैरह वगैरह। तो मतलब अच्छा उसको पीछे से ही बोल के रखा होगा कि तुझे ज्यादा नहीं कहाँ पर गाना शाना गाना है, अपनी मूवी का प्रमोशन करवाना है तो और निकल जाना है, बस वो सीन हुआ था अभी, तभी उसकी वजह से शायद उसने गाना नहीं। बट सही नहीं था यार, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, मतलब कि नहीं गाया। हाईवे से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहुंचा हवेली के पास, यहाँ पर हवेली एसी 12 हॉस्पिटल के पास। तो अभी चल रहे हम चारों, ठीक था नॉर्मल है, बराबर खास भी नहीं लगा यार। तो कोई नहीं, चलते अब घर की तरफ, ठीक है।